नमस्कार, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय साजोर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद्माकर का भाग को पढ़ेंगे, यानी दूसरा कवित्व छंद पढ़ेंगे। कल हमने पहला पद पढ़ा था, पहला कवित्व छंद पढ़ा था। यहाँ पर जो पद्माकर कवि है वो रीतिकालीन के कवि है और उनका जन्म जो है 1753 में हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, और जयपुर के जो नरेश यानी राजा थे उन्होंने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। यहाँ पर हमने कल पढ़ा कि उनका जो पहला पद है, पहला कवित्व छंद है, उसमें उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। यहाँ पर आप कवित्व से मतलब समझ रहे होंगे कवित्व का अर्थ क्या होता है। कवित्व छंद, जब हमने हिंदी की व्याकरण पढ़ी तो उसमें छंद पढ़े थे और छंद में कवित्व सवैया छंद पढ़े थे। कवित्व छंद जो है वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना की जाती है और ये वर्णिक छंद होने के कारण इसमें 31 यानी 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पर यति होती है, ये हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर ये आप काव्य पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इसमें छंद भी देखिएगा और इसमें पता कीजिए कि इसमें कवित्व छंद है ये कैसे हैं, इसके लक्षण याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पद्माकर कवि का जो पहला पद या पहला कवित्व छंद जो हमने पढ़ा, उसमें कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया और बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। बसंत ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है और उत्सुकता प्रसन्नता युक्त वातावरण होता है, यह हम पढ़ चुके थे। चारों ओर पेड़ जो है फूलों से लग जाते हैं, रंग बिरंगे फूल चारों ओर नजर आने लगते हैं, पेड़ों पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु के आने पर उत्सुकता देखते ही बनती है कि जैसे मोरे जो होते हैं यानी प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। गोरे जो होते हैं वो भी वनों में, कुंजों में, झाड़ियों पर समूह में जो है गुंजार करते हुए नजर आते हैं और जो सुंदर नवयुवक होते हैं वो भी गलियों में सज धज करके घूमते हुए नजर आते हैं, यानी उनमें भी अलग ही प्रकार का जो है उत्साह देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पक्षी समाज है यानी पक्षियों का जो झुंड है उनमें भी कई तरह का स्वर और पक्षी भी प्रसन्नता से युक्त चहचहाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि बसंत ऋतु के आने पर अलग ही प्रकार का वातावरण हो जाता है, यानी चारों ओर जो है उत्सुकता प्रसन्नता से युक्त वातावरण हो जाता है, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य अलग ही प्रकार से नजर आने लगता है और उस ऋतु में यानी ऋतुओं का राजा कहलाता है बसंत। यहाँ पर ऋतुएं छह होती है तो यहाँ पर बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और ऋतुओं का राजा होने के कारण उस समय चारों ओर का वातावरण अत्यधिक ही मनमोहक होता है। यह हमने पहले कवित्व में पढ़ा था और अलंकारिक शैली में लिखा गया है, ब्रज भाषा में ही, यह हम कल पढ़ चुके थे। आगे हम आज दूसरा पद पढ़ेंगे, दूसरा कवित्व छंद पढ़ेंगे कवि पद्माकर का। देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा कवित्व छंद है, गोकुल के कुल के गल के दो गाँव के जो लगी कछु को कछु भाकर फिर भरे नहीं, कहे पद्माकर परोस पीछे वालन के द्वारन के दोरी गुण ओगुन गरे नहीं, तोलो चरित्र चतुर सहेली यही कोहु कहु निके के निचोरे ताही गरत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित्र चोरा चोरी गोरत तो गोरों पे निजोरत बने नहीं। देखिएगा
विरोध को भुला करके किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव प्रकट करते हैं, यहाँ पर इस पद से हमें प्रेरणा मिल रही है। देखते हैं, यानी गोकुल में जब होली खेली जाती है, गोकुल में होली खेली जाती है, फाल्गुन का महीना है, होली खेली जाती है, तो वहां का वातावरण कैसा हो जाता है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। यानी ग्वाले जो होते हैं और ग्वाली में सखियां या गोपियां जो होती है, वो बिना किसी भेदभाव के अपना सर्वस्व भुला करके और किस प्रकार से होली के रंग में रंग जाती है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर मनोहर ढंग से किया है। गोकुल के कुल के गली के गोप गांव में कवि कहते हैं कि गोकुल के गोकुल गांव की गली गली में गोप यानी ग्वाले और ग्वाली में यानी गोकुल गांव के गली गली में ग्वाले और ग्वालिने यानी गोपियां जो है होली खेल रहे हैं। जो लड़की कछु पकछु चूखा कर दुभने नहीं भगत यानी कहना, जब चारों ओर प्रेम का वातावरण है, गोप और ग्वालिने यानी ग्वालिया और ग्वालिने जब होली खेल रहे हैं, चारों ओर प्रेम युक्त वातावरण है, तो ऐसे वातावरण को देख करके कवि कहते हैं कि कुछ करते नहीं बनता, कि वहां पर किस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के प्रेम प्रकट करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना प्रकट करते हुए ग्वाले और ग्वालिने किस प्रकार से होली खेल रहे हैं, ये गोकुल गांव के गलियों की बात है। वैसे भी ब्रिज की होली गोकुल की होली तो फेमस है। कहे पद मकर परोस पीछे वाला के द्वारा देते दोरी गुण अवगुण गले नहीं। यहाँ पर कहे पद्माकर कवि पद्माकर कहते हैं कि परोस पीछे वाला के कि आस पड़ोस जब ग्वाल और ग्वाली ने होली खेलते हैं, तो आस पड़ोस या प्रत्येक घर के द्वार पर जाकर के और बिना कुछ द्वारन के दोरी गुण एक दूसरे के द्वार पर दौड़ करके जाते हैं, बिना किसी बात का ध्यान रखे हुए, किसी के गुण अवगुण का ध्यान रखे बिना ही वो एक दूसरे के द्वार पर दौड़ कर जाते हैं और पास पड़ोस में पिछवाड़े में कहीं भी और होली खेलते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव देते कि बिना किसी विरोध
किया है। कहने का भाव यह है कि कोई सखी या कोई जो चतुर सुंदर गोपी है वो अपने सखी से कहती है कि श्याम ने मेरा मन चुरा लिया है और श्याम के प्रेम रूपी रंग में मैं पूरे तरह से डूब गई हूँ। अब इससे मैं दूर भी होना चाहूँ तो नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे बस की बात नहीं बनी। बोरत तो बोरे पे निचोरत बने नहीं। अगर मैं इसे यानी कि पूरी तरीके से निचोड़ना चाहूँ तो ये भी नहीं बनता है मेरे से क्योंकि मैं तो श्याम के प्रेम में इतना डूब गई हूँ, श्याम रंग में इतना रंग गई हूँ कि अब अगर उसे छोड़ती हूँ तो ये सब कुछ मेरे से नहीं होने वाला। मेरे जो वस्त्र है जो प्रेम रूपी रंग में रंग चुके हैं, भीग चुके हैं, अगर मैं इन्हें निचोड़ना भी चाहूँ तो मेरे बस की बात नहीं है। निचोड़ने पर भी ये वस्त्र निचुड़ते नहीं है। यहाँ पर इस पद में इस कवित्व में कहने का भाव यही है कि यानी होली का महीना है, फाल्गुन का महीना है, होली है और चारों ओर प्रेम युक्त वातावरण है, चारों ओर जो वातावरण है वो प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। ग्वाले और ग्वालिनी वो ग्वालिनी मिलकर के और सखियां आपस में मिलकर के होली खेल रहे हैं, चारों ओर प्रसन्नता से युक्त प्रेम का वातावरण है। यानी कोई भी गोप ग्वाले या जो ग्वालिनी है वो एक दूसरे के गुणों का कुछ ध्यान नहीं रखते हैं कि किसी बात को कोई बुरा मान जाए या क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं और दौड़ करके एक दूसरे के दरवाजे पर जाकर के एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और यहाँ पर कहने का भाव यह है कि कोई जो गोपी है वो अपनी सखी से कहती है जो चतुर गोपी है कि हे सखी इस प्रेममय वातावरण में मैं तो पूरी तरीके से प्रेम के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मैं तो श्याम के रंग में श्री कृष्ण के रंग में इतना डूब गई हूँ कि अब जो है मैं इससे बाहर निकलना भी चाहूँ तो नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे श्याम है कृष्ण है अब इनसे दूर होना मेरे बस की बात नहीं रही। तो यहाँ पर कवि ने जो है गोकुल के गांव में गोकुल गांव की गली गली में जो होली खेली जा रही है उसके प्रेममय वातावरण का चित्रण किया है। और यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है। जैसे कछु को कछु तो कर बढ़ की आवृत्ति हो रही है, भगत भने यानी भव वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर ऐसे बहुत से वर्ण ऐसे हैं जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार जैसे किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कल हमने जो बसंत ऋतु पहला कवित्व छंद पढ़ा और आज हमने जो है दूसरा कवित्व छंद पढ़ा है कवि पद्मागर का, इसमें फाल्गुन का महीना यानी होली गोकुल गांव में जो होली खेली जाती है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो गोप और ग्वालिने हैं वो होली खेल रहे हैं और चारों ओर किस प्रकार से विरोध की भावना को बुला करके और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर जो आज हमने पढ़ा इसमें होली का वर्णन किया है और इसके बाद पद्माकर जी का एक और छंद है, एक और पद है